तो आप लोगों का हरिद्वार से बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिलहाल मैं हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन में, तो मैं कैसे आके हरिद्वार पहुँचा था वो वीडियो देखना है तो आपको मेरा जन शताब्दी एक्सप्रेस वाला वीडियो देखना होगा। हरिद्वार आप ट्रेन के द्वारा आ सकते हो या फिर बस के द्वारा भी आ सकते हो, बाई रोड भी ऑप्शन है। रेलवे स्टेशन ठीक मेरे पीछे है और स्टेशन के बगल में ही आगे ही बस स्टैंड है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर ही राइट साइड में अगर आप आओगे, ठीक पास में ही है बस स्टैंड हरिद्वार का। बस स्टैंड में पीछे ही मेरा कार्यालय है, वहाँ पे पूछताछ किया तो 5:30 बजे एक बस निकलता है जोशीमठ और औली के लिए, गवर्नमेंट का बस, उसमें आप जा सकते हो। वहाँ से केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ की यात्रा आगे कर सकते हो। दिल्ली के लिए भी बस चलता है, मोस्ट ऑफ दी बस ऑफलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। बस स्टैंड आना, पूछ लेना, तभी आपको पता चल जाएगा। मैं रुका हुआ हूँ शिव मूर्ति गली में, तो चलो आपको लेके चलता हूँ पहले शिव मूर्ति गली। तो ये है शिव मूर्ति चौक, उसके ठीक पीछे ही उस तरफ जो है वो रेलवे स्टेशन है हरिद्वार का। तो ये वाला है शिव मूर्ति गली, स्टेशन से 300-400 मीटर ही दूर है। यहाँ पे आप लोगों को रहने के लिए और खाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मार्केटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। बैटरी ऑपरेटेड ऑटोज यहाँ से बहुत चलता है, जो कि आपको स्टेशन से सीधा इस शिव मूर्ति गली में छोड़ सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स के भी ऐसे दुकान हैं, और बाइक रेंट पे भी ले सकते हो, यहाँ पे बाइक रेंटल के भी बहुत सारे ऑप्शन है। अभी फिलहाल सुबह के 8 हुए इसलिए थोड़ा सुनसान है, यहाँ पे रुकना बेस्ट रहेगा। हर की पौड़ी 1.5 किलोमीटर दूर है और स्टेशन से बहुत ही करीब, स्टेशन बस स्टैंड इसके लिए, और आपको कम्युनिकेशन भी बैटरी ऑपरेटेड ऑटोज रिक्शा सब मिल जाएगा। तो शिवमूर्ति चौक के सामने ही सीधा पड़ता है भारत रेस्टोरेंट। अगर स्टेशन वगैरह में हो या फिर यहाँ पे रह रहे हो तो आप यहाँ पे खा सकते हो, रीजनेबल प्राइस है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो स्टेशन से बाहर निकलते ही थोड़ी देर चलते ही आपको ऐसे बैटरी ऑपरेटेड ऑटोज या फिर रिक्शा मिल जाएगा, जिससे आप लोग हरिद्वार का सब फेमस जगह माना जाता है हर की पौड़ी जाके पहुँच सकते हो। 20 रुपया चार्ज लगता है ये बैटरी ऑटो का। तो हम पहले जाते हैं बैटरी ऑटो पकड़ते हर की पौड़ी निकलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ई रिक्शा है जो कि हर की पौड़ी लेंगे, लेकिन अकेले बंदे रहोगे तो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको ऑटो पूरा भर्ती करने का रहता है। इसके लिए मेरे को पीछे 2-3 ऑटो ने बिठा के उतार दिया। तो हर की पौड़ी में ऑलमोस्ट आके पहुंच गए, जहाँ पे आपको ऑटो वाला उतारता है। तो वहीं से आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे घाट्स जहाँ पे स्नान करना है। ऐसे चेन बंधा हुआ है तो इसको पकड़ के सब नहाना रहता है। वहाँ आगे भी चेन बंधा हुआ है। तो ये रहा गंगा मैया, थोड़ा पानी लेते जय गंगा मैया। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ में बारिश के कारण मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, इसके लिए मैं आज स्नान नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा पानी ऊपर मार दिया सिर के। अगर आप चाहो तो आकर यहाँ पे स्नान कर सकते हो। तो ये जो मेरा पीछे है यही मेन ब्रह्म कुंड है हर की पौड़ी का। तो यहाँ पे बहुत ही भीड़ लगा हुआ है, बहुत श्रद्धालु नहा रहे हैं। सनातन धर्म में मान्यता ये है कि जब हुआ था अमृत मंथन तो वो जो मटका लेके जा रहे थे, देवता और असुर के बीच में युद्ध हो रहा था, तो वो मटका से 4 बूंद गिरा था जमीन पे धरती का, तो उनमें से हर की पौड़ी एक जगह है हरिद्वार में। तो अमृत मंथन का जो अमृत का बूंद यहाँ पे गिरा था, इसके लिए ये जगह को, ब्रह्म कुंड को, हर की पौड़ी का बहुत ही पुण्य माना जाता है, इसके लिए सब लोग आके स्नान करते हैं। आप लोग अगर हरिद्वार आओ तो आके यहाँ पे स्नान जरूर करना। हम लोग आके पहुँच चुके हैं हरिद्वार हर की पौड़ी का घंटा घर, और ठीक घंटा घर के सामने ही गंगा आरती होता है शाम को। अगर आपको गंगा आरती देखना है तो जल्दी से आना और जगह बुक करके रखना, मैं आपको दिखाता हूँ किस जगह गंगा आरती होता है। ये रहा घंटा घर, और ठीक उसके सामने उसी घाट में होता है गंगा आरती। Yeah.
शाम के 6:30 बजे आरती शुरू होता है। 15-20 मिनट लगता है। अगर देखना चाहो तो उससे 2-3 घंटा पहले आना, क्योंकि पूरा जगह ही भरती रहता है। बहुत चलने के बाद अभी ज़ोर से भूख लग रहा है। मेरे पीछे चोटी वाला होटल दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत फेमस है ऋषिकेश का। चलो हरिद्वार के हर की पौड़ी के चोटी वाला में जाते हैं और कुछ भोजन करते हैं, पेट पूजा, ताकि एनर्जी आए, आगे अपना जर्नी कंटिन्यू करें। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, पर मैंने लिया है छोले भटूरे। तो पूरा ऐसे फूले हुए दो बड़े भटूरे देखते हैं, मेरे को लग नहीं रहा है मैं खा पाऊंगा। छोले, आलू का सब्जी और ये दही। अभी हम लोग मनसा देवी के रोपवे में बैठ चुके हैं। मनसा देवी ऊपर लेगा एक वे, नीचे लाएगा और एक रास्ते में, रोपवे में ही। और चल के जाना हुआ पैदल तो ऐसे जाना पड़ेगा, वो थोड़ा दूर रहता है। यहाँ पे पूरा हरिद्वार का ड्रोन व्यू आपको मिलेगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 3-4 मिनट के अंदर ही पूरा नीचे से ऊपर आ गए। तो ऐसा बोला जाता है कि माता मनसा देवी शिव जी के मन से निकले हैं, तो इसीलिए उनका नाम मनसा देवी पड़ा है। और यहाँ पे जो भी आता है, जो भी उसका विश रहता है, मन में रहता है, श्रद्धा के साथ मांगता है तो पूरा हो जाता है। यहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ पे बहुत लोग धागे बांधते हैं, वापिस आते हैं धागे खोलने के लिए जब उनका जो मन में था विश वो पूरा हो जाता है। और ये मनसा देवी टेम्पल हरिद्वार के जो तिलवा पर्वत है शिवालिक रेंज हिमालय का, उसके ऊपर स्थित है। हरिद्वार टाउन का पूरा ही ड्रोन आई व्यू आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे भीड़ थोड़ा रहता है, टाइम लेके आना। तो अगर आप ये कंबाइंड टिकट लेंगे पैकेज मनसा देवी और चंडी माता का, तो 414 रुपीज़ आएगा। नीचे रोपवे से आप आओगे मनसा देवी, फिर मनसा देवी से वापस रोपवे से नीचे जाना होगा। वहाँ पे हम लोगों को एक बस मिलेगा जो कि चंडी माता का रोपवे लेके जाएगा, वहाँ से फिर रोपवे में अप डाउन, बस वापस लाके यहाँ छोड़ेगा। ठीक रेलवे ट्रैक के बाजू में ही जाता है पतला सा रास्ता घरों के बीच में से, चंडी माता का जो रोपवे होगा उससे जाने से पहले गाड़ी में वही रूट। तो मनसा देवी से चंडी माता का जो बस का जर्नी था 15-20 मिनट लगा, आके पहुंच गए। यहाँ भी वेटिंग है उड़न खटोला के लिए, मतलब रोपवे के लिए। तो अगर आप लोगों को जानना है कि चंडी माता टेम्पल और मनसा देवी टेम्पल का हिस्ट्री, पीछे ये दिया गया है, इसका एक स्क्रीनशॉट लगा लूंगा, पढ़ लेना। मनसा देवी का जैसे आपको बता दिया था, चंडी माता का हिस्ट्री ये है, माँ पार्वती से माँ चंडिका देवी आई, क्योंकि शुंभ निशुंभ दो राक्षस थे जो कि स्वर्ग में पूरा तबाही मचा के रखे थे। फिर उन लोगों ने शुंभ जो है वो बोला कि शादी करने के लिए माँ चंडिका से, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थे। तो उसके बाद उनके क्रोध से चंडिका चामुंडा माता आई, तो वो शुंभ निशुंभ सब थे उनको वध किया। तो जो माँ चामुंडा देवी है वो यहाँ पे, ये जो पीछे मेरा देख रहे हो, रोपवे से ऊपर जाएंगे, ये वाला है नील पर्वत शिवालिक रेंज का हिमालय का, तो वहाँ पे रेस्ट किए थे, इसके लिए ये जो चंडी माता टेम्पल वो फेमस है। तो मनसा देवी के साथ साथ ये भी कवर करना, कंबाइंड टिकट करना सही रहेगा। बस में बैठ के यहाँ पे आओगे, यहाँ से रोपवे में जाना, फिर वापस आके फिर बस में जाना रहता है। तो मनसा देवी का जो रोपवे था वहाँ पर भी ऊपर भी पर्वत के, और यहाँ पे चंडी टेम्पल का रोपवे है, यहाँ पर भी रिफ्रेशमेंट वगैरह खाने वगैरह का मिलता है, वॉशरूम वगैरह है, पानी वगैरह पी सकते हो। यहाँ पे तो लाइन कम है, होपफुली कम हो तो थोड़ा अच्छा से दर्शन कर पाए, जैसे मनसा देवी में बहुत भीड़ था। तो चंडी माता का रोपवे में बैठ चुके हैं, इसके सीधे ऑपोजिट एंड में है मनसा देवी का, तो 5 मिनट्स ट्रैवल टाइम लिखा था। यहाँ पर भी आप चल के जा सकते हो, देखो एक रोपवे में हम लोग जा रहे हैं, नीचे एक बहुत ही सही वाटरफॉल दिख रहा है, और इस रोपवे के नीचे ऐसे जाल बिछाया गया है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ कैजुअलिटी हो इमरजेंसी, इसके लिए बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल है।
सो ये है चंडी माता टेम्पल। अभी मैं चंडी माता टेम्पल में हूँ, उसके ठीक ऑपोजिट में ही है मनसा देवी का, आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हर की पौड़ी का एरिया और इसके ठीक ऊपर ही है मनसा देवी जी का मंदिर। चंडी देवी टेम्पल का दर्शन 15-20 मिनट में ही हो गया, इतना भीड़ नहीं था मनसा देवी जैसा। और हम लोग अभी जा रहे हैं अंजनी माता का टेम्पल देखने के लिए। हनुमान जी की माता यहाँ पे तप कर रही थी, तो जाते हैं और देखते हैं कैसा है टेम्पल। तो चंडी देवी टेम्पल अगर आओगे तो मेक श्योर करना कि अंजना माता का टेम्पल भी आना। 100 मीटर्स का ऐसे ही ट्रैक रहेगा, बहुत ही बढ़िया है। फर्स्ट टाइम मैं ये अंजना माता का टेम्पल विजिट किया, कभी भी पहले किसी जगह में भी नहीं मिलता। यहाँ पे अंजना माता तप करती थी, तो आप लोगों को अंजना माता का एक मूर्ति मिलेगा अंदर, वो हनुमान जी को अपने गोदी में लिए हुए है। बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। तो मनसा देवी मंदिर और चंडी माता टेम्पल दोनों को अगर आप करोगे रोप वे से करने से लगभग 4 घंटा लगेगा, 4 घंटे में आराम से हो जाएगा। चल के जाओगे तो पूरा दिन ही रखना पड़ेगा। तो मैं जिधर से शुरू किया था उधर आके पहुंच गया शिव मूर्ति चौक। तो यहाँ पे शिव मूर्ति गली में रूम्स का सब रेंट पूछ रहा था, 800 से लेके 1200 रुपए तक है, आपका मर्जी, आप जितना में रहना चाहो। कम दाम वाला भी रूम है और बाइक रेंटल भी पूछा, स्कूटी का 700 रुपीज पर डे, बुलेट वगैरह का 1100-1100 से शुरू हो जाता है बाइक रेंट पर डे। हरिद्वार हम छोड़ चुके हैं जन शताब्दी में। अभी अगले वीडियो में आप लोगों को दिल्ली में मिलूंगा 1AC राजधानी एक्सप्रेस में।